बिजली बचत करने के लिए 2 साल पहले कॉलेजों में सोलर प्लांट सिस्टम लगाने के निर्देश जारी हुए थे। इसमें जिले के लीड समेत 3 सरकारी कॉलेजों से भेजे प्रस्ताव को स्वीकृति मिली और उनकी छतों पर यह सिस्टम लगे। इसे करीब 1.5 साल से अधिक समय बीत गया है, लेकिन एक भी चालू नहीं हुआ है। अभी भी कॉलेजों में बिजली कंपनी को बिल भरना पड़ रहा है। ऊर्जा विकास निगम और उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से जिला मुख्यालय पर स्थित अग्रणी स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 20 किलोवाट और शहर के जाजू कन्या कॉलेज व मनासा के आरवी कॉलेज में 10-10 किलोवाट का सोलर प्लांट सिस्टम लगाया। इन तीनों की तय क्षमता अनुसार बिजली उत्पन्न होना था। प्रोजेक्ट के अनुसार सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को बिजली कंपनी खरीदेगी। कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि प्लांट तो लग चुका है, लेकिन संबंधित कंपनी ने अभी तक मीटर नहीं लगाया है। उसे कई बार सूचित कर दिया गया है, पर वह आने में लेट लतीफी करते हैं। इस अनदेखी के चलते प्लांट की सोलर प्लेट्स धूल जमने से खराब हो रही हैं। जब यह शुरू होंगे तब कंपनी और सरकार दोनों को ही फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा नवकरण विभाग ने प्रांत स्तर पर सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को बुलाकर एक MOU साइन कराया था, जिसमें महाविद्यालय की मांग के अनुसार ऊर्जा सोलर प्लांट लगाने का अनुबंध किया गया था कंपनी से। कंपनी ने दिसंबर 2019 के लगभग हमारे महाविद्यालय में इसके सोलर प्लांट लगाए हुए हैं। कई बार इसके बारे में लिखा पढ़ी कर ली गई है। विद्युत विभाग में मैं स्वयं भी जा करके आया था, लेकिन वो कंपनी अपने इस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, जिससे शासन का विद्युत का बिल हमें अनावश्यक रूप से भरना पड़ रहा है। और इस बारे में जिस कंपनी को कॉन्टेक्ट हुआ है मध्य प्रदेश लेवल पर, वह उस काम को आगे नहीं बढ़ा रही है। ये राज्य स्तर पर ऊर्जा नवकरण विभाग ने ही इसका कॉन्टेक्ट दिया था, वो कॉलेज लेवल पर कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था। तो उसकी जो विस्तृत जानकारी है वो ऊर्जा नवकरण विभाग को है। पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, विभिन्न कॉलेज के प्राचार्य को वहाँ बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार के स्तर पर ही दिए गए थे। हमने विद्युत विभाग में मैं स्वयं जाकर के मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा मीटर के लिए राशि जमा कराई गई है और मीटर का उनका वेंडर को हमने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कहा गया है, लेकिन वो सारे प्रपत्र और सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके विद्युत विभाग को नहीं दे पा रही हैं। इसकी वजह से विद्युत विभाग भी आगे काम नहीं कर पा रहा है। इसके बारे में जो भी लिखा पढ़ी होती है हम राज्य सरकार के स्तर से करते हैं। मंदसौर लेवल पर भी एक इनका विभाग है, वहाँ पर मैंने संपर्क किया था। निश्चित रूप से ये सोलर पैनल प्लेट छत पर ही लगते हैं। जाजू कॉलेज में, हमारे यहाँ और मनासा कॉलेज में, तीनों जगह छत पर ही लगे हुए हैं और इसका मेंटेनेंस भी उसी कंपनी के जिम्मे है। और अभी तक उसने इसको पूर्ण करके हमको हैंडओवर नहीं किया है। जब वो हैंडओवर करेंगे तब बिजली हमारे खुद के भी काम में आएगी और हमारी जो बचत होगी इससे विद्युत एक्स्ट्रा उत्पादित होगी उसको भी खरीदने का MOU हमारे और शासन के मध्य में, शासन और वेंडर के मध्य में हुआ है। 2 साल लगने के बाद भी हमको ये हैंडओवर नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें वेंडर की लापरवाही है और इसके बारे में जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो राज्य शासन के स्तर पर ही की जा सकेगी। हम व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि MOU राज्य शासन के और उस कंपनी के और हमारे प्राचार्य के बीच में हुआ है, तो इस बारे में जो भी कार्रवाई करना है वो राज्य सरकार को करना है।